एसडी कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारियों ने एसडी कॉलेज छात्रावास की मरम्मत करवाने की मांग उठाई है। इस बाबत छात्र संघ पदाधिकारियों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम मृदुल सिंह के नाम उनके प्रतिनिधि को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि लंबे समय से एसडी कॉलेज का छात्रावास बंद पड़ा है, जिसके कारण दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को शहर में महंगे किराए पर मकान लेकर रहना पड़ रहा है। छात्र संघ पदाधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बिना जांच किए ही छात्रावास की बिल्डिंग को अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि उक्त भवन का केवल प्लास्टर गिरा है, भवन में कहीं कोई दरार नहीं है। अतः इसकी जांच करवाकर रहने लायक कक्षों का प्लास्टर करवाया जाए, ताकि बाहरी छात्रों को रहने की सुविधा मिल सके। साथ ही छात्र संघ पदाधिकारियों ने महाविद्यालय में स्थित महिला छात्रावास को भी छात्रों के लिए उपलब्ध करवाने की मांग उठा दी। पदाधिकारियों ने बताया कि उक्त भवन सही स्थिति में है और यहां पर किसी भी छात्रा ने यहां रहने हेतु आवेदन नहीं किया है, जिसके चलते उक्त भवन का सदुपयोग छात्रों के लिए किया जा सकता है। ज्ञापन देने वालों में छात्र संघ अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, मनीष परिहार, हेमंत सिंह, गोपाल सिंह, सुमित चौहान, आकाश चौहान, मनोज टाक, प्रेमचंद, नरेश तूफान, वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र, महेंद्र सिंह और राकेश आदि छात्र शामिल थे। हमारे महाविद्यालय में एक बॉयज हॉस्टल है जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। हमारी मांग है कि बॉयज हॉस्टल की एक बार पुनः जांच हो जाए। बॉयज हॉस्टल में लगभग पूरा हिस्सा पूरी तरीके से सही है, उस हिस्से को मरम्मत करा के उसे रहने लायक बनाकर विद्यार्थियों को सौंपा जाए। महाविद्यालय में बॉयज हॉस्टल को PWD डिपार्टमेंट ने बिना अधूरी जाँच के उसे रहने योग्य घोषित कर दिया था। इसी के ऊपर हमने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द एक नई टीम बनाई जाए और उसकी जाँच कराई जाए, जिससे विद्यार्थी गांव से आने वाले विद्यार्थी, दूर दराज के विद्यार्थी 5-5, 6-6 हज़ार रुपये किराया लगा के सिटी में कहीं ना कहीं रूम लेके रह रहे हैं, उनका किराया बचे और महाविद्यालय में एक हॉस्टल हमारे पास है तो उस हॉस्टल की मरम्मत हो जाए। जो हिस्सा रहने लायक नहीं उस हिस्से को बंद किया जाए और जो हिस्सा रहने लायक है उसकी मरम्मत करा के वहाँ विद्यार्थियों को रहने की सुविधा उपलब्ध कराए ना। जब तक इसकी मरम्मत हो, हमारी कॉलेज में एक गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ आज तक एक भी गर्ल्स ने आवेदन नहीं किया, तो उस गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ को रहने की अनुमति प्रदान करें, ये हमारी मांग है। ये हम उच्च शिक्षा मंत्री और उपखंड अधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन देने के लिए हम ये आए और जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी हो रहा है। मांग पूरी नहीं होने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।